विद्यार्थियों फॉर द ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस को आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज अपने यहाँ राजस्थान के अपवाद तंत्र का अध्ययन करेंगे, यानी कि राजस्थान का अपवाद तंत्र पढ़ेंगे। देखो, राजस्थान के अपवाद तंत्र को जानने से पहले अपन को यह समझना होगा कि विश्व में जल संसाधन का विश्व के कुल जल संसाधन का 97.3% जल, 97.3% जल महासागरीय है। लवणीय होने के कारण मानव के लिए उपयोगी नहीं है, यानी कि यह जल लवणीय होने के कारण उपयोगी नहीं है। पृथ्वी पर शेष जल का 2.7% भाग मानव के लिए उपयोगी है। यानी कि पृथ्वी पर जो 2.7% जल है वही मानव के लिए उपयोगी है। और ये जल, ये उपयोगी जल विद्यार्थियों नदियों, तालाब, झील व ग्लेशियर में पाया जाता है। ग्लेशियर को वह भूगर्भ में पाया जाता है। यानी कि उपयोगी जल जो 2.7% है ये नदियों, तालाब, झील, ग्लेशियर और भूगर्भ में स्थित है। यहाँ आपको ध्यान रखने की ये बात है कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। अब अपन यहां समझेंगे अपवाद, यानी कि अपवाद का मतलब क्या है, अपवाद क्या होता है। यानी कि वर्षा के तत्काल बाद धरातल पर बहने वाले जल को प्रवाही जल कहते हैं। जब प्रवाही जल ढाल के अनुरूप बहता है तो उसे, उस अनुरूप को अपन नदी कहते हैं। और जब नदी में अन्य नदी आकर के मिलती है तो उसे अपन सहायक नदी कहते हैं। देखो, अपवाह का अर्थ क्या है, आपको अपवाह का अर्थ है कि वर्षा का जल स्थिर न होकर के प्रवाही होता है, यानी बहता है, इसे अपन कहते हैं प्रवाही जल। यानी कि जो जल धरातल पर बहता है उसे अपन प्रवाही जल कहते हैं। और जब ये ढाल के अनुसार निश्चित मार्ग उसमें बहता है या निश्चित अनुरूप में बहता है तो उसे अपन नदी कहते हैं। और नदियों में जो छोटी नदी आकर के मिलती है मुख्य नदी में, उन्हें अपन सहायक नदी कहते हैं।
में अन्य छोटी नदी जो अपना जल गिराती है उन्हें अपन सहायक नदी कहते हैं। और मुख्य नदी और सहायक नदी दोनों को, दोनों के संपूर्ण क्षेत्र को अपन अपवाह क्षेत्र कहते हैं। ये हो गया आपके अपवाह क्षेत्र, यानी कि मुख्य नदी और सहायक नदियों के संपूर्ण जल प्रवाह क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहा जाता है या अपवाह बेसिन कहा जाता है। इस तरह अपने राजस्थान में अपन देखें तो मुख्यतः नदियों को तीन प्रकार से देख सकते हैं, तीन प्रकार से समझ सकते हैं। तो राजस्थान में जो नदियां हैं वो तीन प्रकार की नदियां पाई जाती हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले जो नदियां हैं आपके, उनके तीन भाग हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं नदियों के प्रकार। यानी कि राजस्थान में, राजस्थान में नदियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिवर इन राजस्थान, राजस्थान में नदियों के प्रकार। तो राजस्थान में तीन प्रकार की नदी पाई जाती है। सबसे पहले अगर देखें तो राजस्थान की नदियों में जो पहला प्रकार है वो है आपके स्थाई सरिता, स्थाई सरिता यानी कि वह नदी जो वर्ष भर रहती है उन्हें स्थाई या नित्यवाही नदी कहते हैं। स्थाई है इनका दूसरा नाम है नित्यवाही। इनमें जैसे आपके माही नदी व चंबल नदी, चंबल और माही ऐसी नदी है जो स्थायी रूप से बहती है, जो नित्यवाही राजस्थान में बहती है। दूसरी जो नदी है आपके वो है आपके आंतरिक सरिता। दूसरी प्रकार की जो नदी है वो है आपके आंतरिक सरिता या आंतरिक नदी। ऐसी नदी जिनका जल समुद्र में नहीं जाता या समुद्र तक नहीं पहुंचता, ये नदी या तो मरुस्थल में या मैदानी भूमि में ही मिल जाती है, वह का जल विलीन हो जाता है, उन्हें अपन आंतरिक सरिता कहते हैं। यानी कि मरुस्थल व मैदानों में विलीन होने वाली नदी, विलीन होने वाली नदी आंतरिक नदी होती है। जैसे गग्गर, गग्गर नदी है मैदानों में विलीन हो जाती है। सावी नदी है, रूपरेल नदी है, सावी और आपके कांपी नदी और कापनी नदी, ये राजस्थान की ऐसी नदी है जिनका जल समुद्र में महासागर में नहीं गिरता, ये मैदान या मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है, इनको आंतरिक नदी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके अल्पकालीन सरिता। तीसरी जो प्रकार की नदी है वो है आपके अल्पकालीन सरिता, यानी कि ये वो नदियां हैं जो अल्पकाल या थोड़े समय के लिए बहती है, यानी कि वर्षा ऋतु में ही बहती है। जैसे लूनी और बनास नदी, यानी कि वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में
जो वर्षा काल में ही रहती है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ नॉट लगाकर, राजस्थान के पास संपूर्ण प्रवाही जल का मात्र 1% भाग है। राजस्थान के पास संपूर्ण प्रवाही जल का 1% भाग स्थित है, यानी पूरे राजस्थान में प्रवाही जल का अभाव है, कमी है। संपूर्ण प्रवाही जल का 1% भाग राजस्थान के पास पाया जाता है, राजस्थान में स्थित है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में नदियों के उद्गम स्रोत, कि राजस्थान में बहने वाली नदियां कहाँ से निकलती है, और राजस्थान की नदियों के उद्गम स्रोत को अगर अपन देखें तो राजस्थान की नदियों के उद्गम स्रोत मुख्यतः तीन हैं। या तो राजस्थान की नदियां निकलती हैं विंध्याचल पर्वत, या फिर निकलती हैं अरावली पर्वत, या फिर राजस्थान की नदियों को निकलती हैं मालवा से। तो देखो उद्गम स्रोत में अगर अपन देखें, उद्गम राजस्थान की नदियों का उद्गम स्रोत क्या है, स्रोत तो राजस्थान की नदियों का पहला उद्गम स्रोत है वो है आपके विंध्य पर्वत। और ये है विद्यार्थियों मध्य प्रदेश में, और यहाँ से जो नदियां निकलती हैं उनमें आपके चंबल और माही, चंबल व माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से होता है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होता है। दूसरा अपन देखें तो राजस्थान की नदियां निकलती है अरावली पर्वत श्रेणी से, और अरावली से जो नदियां निकलती है उन नदियों में मुख्य नदी है आपके बनारस और लूनी। अरावली से निकलने वाली नदियों में बनारस एवं लूनी नदी, और बाणगंगा नदी, ये नदियां मुख्य रूप से इनका उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी है। तीसरा जो उद्गम स्रोत है राजस्थान की नदियों में वो है आपके हिमालय, तो हिमालय से जो नदी निकलती है हिमालय पर्वत से उनमें है आपके गग्गर नदी। गग्गर नदी का उद्गम स्थान हिमालय। अब यहाँ आपको ये भी समझना है कि जो नदियां विंध्य पर्वत से निकलती हैं चंबल और माही, ये क्या है, स्थायी या नित्यवाही। अरावली से जो निकलती है ये आपके है अल्पकालीन, अल्पकालीन यानी वर्षा ऋतु में रहती है। और जो हिमालय पर्वत से निकलती है गंगा नदी ये आपके आंतरिक नदी है, यानी इसका जल हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के मैदानों या मरुस्थलों में विलीन हो जाता है। इस तरह अपन ने ये राजस्थान की नदियों के उद्गम स्रोत के बारे में पढ़ा। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान का जो अपवाह है जल प्रवाह है उसको अपन तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि राजस्थान के जल प्रवाह को या अपन कह सकते हैं अपवाह को
तीन भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि राजस्थान के अफवाह में तीन भाग है। पहला है आपके बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र यानी कि इन नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है और ये कुल अपवाह क्षेत्र का 24% भाग संग्रहित है, लेकिन अपवाह क्षेत्र का 24% भाग इसमें संग्रहित है। दूसरा आपके अरब सागर, दूसरा आपके अरब सागर का अपवाह अरब सागर का अपवाह तंत्र और यह कुल अपवाह क्षेत्र का 16% भाग संग्रहित है। इसमें अपवाह का अपवाह क्षेत्र का 16% भाग यानी कि राजस्थान के कुल अपवाह का 24% भाग बंगाल की खाड़ी में जाता है, 24% भाग बंगाल की खाड़ी में, 16% भाग अरब सागर में और शेष जो भाग है वो है अंतर्प्रवाही अपवाह। यह अंतर्प्रवाही अपवाह तंत्र है यानी कि ना ही तो बंगाल की खाड़ी में इनका जल जाता है और ना ही अरब सागर में। यह कुल अपवाह का 60% भाग है, कुल अपवाह का अपवाह क्षेत्र का 60% भाग है, यानी कि अपन राजस्थान के अपवाह को 100% मानते हैं तो 24% बंगाल की खाड़ी में, 16% अरब सागर में और शेष बचा अंतर्प्रवाही अपवाह 60% भाग सम्मिलित है। अब अपन देखें कि राजस्थान की जो अपवाह तंत्र है वो अपवाह तंत्र राजस्थान की नदियों के द्वारा निर्मित है, क्योंकि नदी एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को अपन अपवाह क्षेत्र या अपवाह जैसे कहते, मुख्य नदी और सहायक नदियों के संपूर्ण क्षेत्र को अपन अपवाह कहते हैं। अब राजस्थान की नदियों को अपन देखें तो राजस्थान की नदियों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ अपन राजस्थान की नदियां देखेंगे तो राजस्थान की नदियों को मुख्यतः तीन भागों में अपन देख सकते हैं। सबसे पहले अपन देखें तो एक नंबर पे आपके बंगाल की खाड़ी की नदियां, बंगाल की खाड़ी यानी ये वो नदियां हैं जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। दूसरी आपकी नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली यानी कि अरब सागर की नदियां, और तीसरी जो आपने नदियां है वो है आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, यानी ये आंतरिक प्रवाह की नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है विद्यार्थियों, उनमें आप देखोगे तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में चंबल, बनास, बेड़च सबसे पहले चंबल, दूसरी अपन देखें तो बनास, तीसरी आपके देखेंगे तो वह आपके
काली सिंधु। पांचवी मुख्य नदी है वो यहाँ पे पार्वती। छठी मुख्य नदी है वो यहाँ पे सी। सातवीं मुख्य नदी है गंभीर। फिर आपके मेनार, फिर आपके 9 नंबर पे खाई, फिर आपके डाई, फिर आपके कुराल, और फिर आपके मेज, फिर आपके कोठारी। यानी कि कोठारी, मेज, मुराल, डाई, खाली, मेला, गंभीर, सीप, पार्वती, काली सिंह, बेड़क, बनास तथा चंबल नदी, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर अपन अरब सागर की नदियों की बात करें तो सबसे पहले है सोम, दूसरी नदी है जाखम, तीसरी नदी है माही, चौथी नदी है आपके लूनी, पांचवी है पश्चिम बनास, पश्चिमी बनास। छठी जो नदी है आपकी वो यहाँ पे जवाई। नेक्स्ट है आपके साबरमती, और नेक्स्ट है आपके वो है जोधड़ी, सूखड़ी और लीली। जोधड़ी, नेक्स्ट है सूखड़ी, और नेक्स्ट है आपके लीलड़ी। ये लूनी की साइड दिया है, जोधड़ी, सूखड़ी और लीलड़ी। अब आपके आंसर प्रोवाइड की नदियां थोड़ा सा आंतरिक प्रवाह वाली नदी हो गई। इस तरह अपन राजस्थान की नदियों को